झिंझाना 14 अक्टूबर। त्योहारों के मद्देनज़र कस्बे के मुख्य बाजार में अतिक्रमण एवं साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के अभियान पर निकले अधिशासी अधिकारी ने कुछ दुकानदारों के यहाँ से प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त करते हुए उनसे लगभग ₹7,000 बतौर जुर्माना वसूला एवं अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी देकर स्वयं अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। शासनादेश के अनुसार 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कस्बे में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर सैनिटाइजेशन, फॉगिंग कराने एवं अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाना है, जिसके क्रम में आज चौथे दिन अधिशासी अधिकारी योगेंद्र कुमार चौहान ने अपनी टीम के साथ कस्बे के बाजार में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया एवं अतिक्रमण करने वालों को सख्त निर्देश देने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान कस्बे के बाजार में स्थित कुछ प्रतिष्ठित दुकानदारों के यहाँ प्रतिबंधित पॉलीथीन मिलने पर अधिशासी अधिकारी ने पॉलीथीन जब्त करते हुए लगभग ₹7,000 का जुर्माना वसूला। व्यापारी घनश्याम दास एवं महेश गोयल के यहाँ से प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त कर जुर्माना वसूला गया। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि शासनादेश के अनुसार कस्बे में विशेष सफाई अभियान चलाकर नगर के प्रत्येक गली मोहल्ले में सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का कार्य वार्ड रोस्टर बनाकर कराया जा रहा है, जिसके निरीक्षण एवं कार्य को सही से अंजाम देने के लिए नगर में 4 टीमें बनाई गई हैं। इसके साथ ही कोरोना से बचाव हेतु पब्लिक एड्रेस सिस्टम से रिकॉर्डेड संदेश द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव की अपील भी की जा रही है। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी योगेंद्र कुमार सिंह के साथ नगर पंचायत कर्मी नदीम, रमन, गौतम, उस्मान आदि उपस्थित रहे।